जानते हैं कि ये आजादी हमें आराम से नहीं मिली थी। 500 वर्ष हमारा भारतवर्ष मुगलों का गुलाम रहा था, 200 वर्ष अंग्रेजों का गुलाम रहा और 200 वर्ष के बाद हमारा भारतवर्ष आजाद हुआ। और आजादी के बाद इस दिन को हम 15 अगस्त 1947 के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। मेरे साथियों, ये आजादी पर बहुत सारे हमारे देशभक्त कुर्बानी दी थी, देशभक्तों ने कुर्बानी दी थी, लेकिन आज भी हम पूर्ण तरह से आजाद नहीं हैं। हम किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से पीड़ित रहते हैं, हम किसी ना किसी सामाजिक जातिवाद से पीड़ित रहते हैं और हमें पीछे ढकेल दिया जाता है। आज भी हम लोग अपनी अपनी मांगे पूरी करते रहते हैं, किंतु हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। जब बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लिखा था, तो उस संविधान के अंदर हमारे बहुजनों के केवल बहुजनों को नहीं बाकी सभी लोगों के लिए मान्य जाति का अधिकार, जो महिलाओं का अधिकार था वो उनको नहीं मिला था, तो सबसे पहले महिलाओं को अधिकार दिलाया। और आज भी अब हमारे महिलाओं का अधिकार पूर्ण तरह से आजाद नहीं है, उसे किसी न किसी तरह से वंचित किया जाता है, आए दिन कहीं ना कहीं पर उनके साथ रेप किए जाते हैं। क्यों? क्या महिलाओं का अधिकार हमारे बराबर का अधिकार नहीं है? क्या वो हमारे बराबर में बैठ करके हमारा साथ नहीं देती हैं? तो जब ये सब हमारा साथ देती हैं, हमारे समाज में हमारे साथ रहती हैं, तो उनको हमारे समाज के साथ साथ पूर्ण अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? उनको हमारे समाज के अंदर पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें किसी तरह से पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए। तो मेरे साथियों, ये जो भारतवर्ष का संविधान था, इसके बारे में थोड़ा आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, तब आजादी के अंदर उस संविधान को चलाने के लिए, उस भारतवर्ष को चलाने के लिए नियम और कानून बनाए गए थे। वो नियम और कानून 2 साल 11 महीने 22 दिन के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तैयार किया था। जब संविधान पारित हुआ, तो संविधान के अंदर सभी को बराबरी का दर्जा मांगा, और जो हमारे जाति के लोग, जो हमारे समाज के लोग, जो पिछड़े पीछे परिचित थे, उनके लिए एक रिजर्वेशन कोटा मांगा था। वो रिजर्वेशन कोटा 10 साल के लिए होता था कि 10 साल के बाद ये हमारी बराबरी मान जाएं, लेकिन आज तक भी हम उस बराबरी के लेवल में नहीं पहुंच पाए हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, बहुत सारा हमारे साथ मतलब छुआछूत का भेदभाव रखा जाता है। तो ये छुआछूत का भेदभाव दूर करने के लिए हमें एकत्रित होना है, हमें समाज के अंदर शिक्षित बनना है, और जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे, तब तक हम अपना बराबरी का दर्जा मतलब उनसे मांग नहीं सकते, ले नहीं सकते। तो मेरे साथियों, भारत के विकास के लिए, क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है ये प्रगतिशील है, विकसित नहीं है, विकासशील देश है, इस विकासशील देश के अंदर हम लोगों को 3 चीज़ों का मात्र ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले स्वच्छ भारत, जब तक हमारा भारत स्वच्छ नहीं होगा, तब तक हम विकास नहीं कर सकते। दूसरा, हमारा स्वस्थ भारत, हम लोग स्वस्थ रहने चाहिए, हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए, ताकत केवल लड़ने के लिए नहीं, ताकत हर चीज़ के लिए होनी चाहिए।